वो नबी मानते हो, ईसा अलैहि सलाम मानते हो, तो बिहारी इंसान नहीं होते क्या? तो काफी मुर्तद है वो तो। अच्छा, वो तो मुर्तद है, हजरत अपने आप को महदी कहता है। महदी कौन है? हजरत महदी कौन होंगे? उनका नाम क्या होगा? पता है आपको क्या नाम होगा? हाँ, क्या नाम होगा उनका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बताया नहीं? हाँ, क्या नाम है बताइए, आप बताइए। तो हमारे से कुछ ना बता, आप बताइए ना, आप तबलीग करते तो आप बताएंगे ना, तो दावत दे उनको, हम दावत नहीं दे रहे। उनका नाम क्या होगा? महदी का नाम क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जी कि उनका नाम मेरे नाम से होगा। हाँ, मेरे नाम से होगा। और उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम से होगा। जी जी, हाँ होगा। तो शकील, अल्लाह के नबी का नाम शकील था? अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत महदी का नाम मेरे नाम का नाम होगा, मोहम्मद सकीन इब्ने हनी। तो ये तो आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? शाफ है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहदा। ये भी कह सकता है मोहम्मद शाहदा इसका नाम है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिकंदर। ये भी कह सकते हैं, ऐसे तो हर कोई हो सकता है ना। ये मोहम्मद हमारे हिंदुस्तान में जो लफ्ज लगाया जाता है वो तो हर एक के नाम के शुरू में लगाया जाता है। और शकील भी अल्लाह के, वो किस खानदान से होंगे? वो किस खानदान से होंगे? नहीं तो फिर क्या नाम? उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अब्दुल्ला तो नहीं कहा है। उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। अल्लाह के नबी के बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। इसके बाप का नाम हनीफ है। वो मदीने के रहने वालों में, बिहार का रहने वाला है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक से होंगे। और ये खान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी फरमाते हैं, जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा था कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी फरमाते हैं कि ये मेरे अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है। हाँ, तो यानी वो यही अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है। तो इनके अब्बा का नाम क्या होगा? अब उनको हाँ, भी तो अब्बा फरमाते हैं। यानी अब ताबील करेंगे हर चीज में, जाहिर को नहीं देखेंगे। उनके अब्बा का नाम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बाप का नाम मेरे नाम बाप के नाम पर होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। और इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है, ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको जो मदीने का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है। अब कहते हो मदीना तो शहर को कहते हैं। हाँ, ये तो बाबा मदीना शहर को कहते हैं, ठीक है, मदीना समझ रहे, मदीना शहर को कहते हैं। और वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे खानदान से होंगे, वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह हसन रजी अल्लाह सुल्फ से होंगे। और ये खान है, खता है तुम्हें, तुमको खुद नहीं पता होगा। इसका इनका पूरा हुलिया, इसका नसब हमारे पास महफूज है। तो रहबर को कैसे पहचाना? रहबर को दलील से पहचाना जाएगा ना। तो वही तो। और ईसा अलैहि सलाम हजरत महदी 6 साल और दूसरी रिवायत के मुताबिक 8 या 9 साल जिंदा रहेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर देंगे। इस शकील ने 2002 में दावा किया था, 2022 20 साल हो गए, कितना इस्लाम को गलबा हुआ है। और आप तो छुपा हुआ है, लोगों से मिलता नहीं है, कोई नहीं है, जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि औरंगाबाद में रहते हैं। बयात करता है, कहता है कि उलमा है, कहता है कि उलमा से ना बताना, बिल्कुल नहीं है, उलमा से बता, तो गलत है, वीडियो बना जो कुछ बयात करता है। हम इस बात से नहीं डरते, वीडियो इसलिए बना रहे, तुम खैराबाद में आके फितना नहीं करोगे, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। मिले जाके पुलिस के हवाले कर दो, तुम खैराबाद आके फितना नहीं करोगे, किसी से नहीं डरते हैं। तुम्हें मस्जिद के हवाले कर दो, तुम्हें मस्जिद में आने का हक ही नहीं है। तुम तो मुर्तद हो भाई, जो गैर नबी को नबी माने। अरे गैर नबी को नबी, ये तो सब एक दूसरे पे मोबाइल में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, पढ़े लिखे लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, आप उनको क्यों नहीं रोकते? इसीलिए कम पढ़े लिखे झगड़ते, कोई किसी का ईमान कुफर का मसला नहीं है, सब लड़ते रहते हैं। इख्तलाफ होता है, ईमान कुफर का मसला नहीं है, न बरेलवी कुफर का मसला है। कितना भाई, लोग मस्जिद में आने नहीं देते हैं, कोई उनको काफिर कह रहा है, कोई उनको काफिर कह रहा है, नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? हम लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं? हमारे बारे में मुत्तफिका फतवा ये है कि शकील बिन हनीफ अपने नजरियात की बुनियाद पर काफिर मुर्तद है। जो उससे क्यों काफिर है? कैसे काफिर है? आप उसको गैर नबी को दलील दीजिए। गैर नबी को नबी मानो, काफिर नहीं हो फिर क्या होंगे? कैसे हम उनको नबी मानते हैं? हम तो कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहो कि शकील काफिर है, कहो। हम क्यों कहें? कहो शकील काफिर है। हम मानते हैं उनको, मानते हो तो क्यों मानते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कि जब वो आए तो उनसे बैत करना, वो आए तो उनसे करना। तुझे दूसरी हदीस पढ़ी है, शकील का नाम नहीं लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह कब में अहमद से क्यों रहता है? अहमद से क्यों रहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम सिफाती नाम से बोलते हैं। हाँ, तो और तो ऐसे तो मोहम्मद ऐसे तो ये भी है ना, मोहम्मद शाहदा ये भी मोहम्मद उबैदुल्लाह है, मोहम्मद शाबान है, मोहम्मद मुस्लिम है, ऐसे कोई भी सवाल करता है, ऐसे कोई दलील ही नहीं दे सकता। चलो उनसे बात कर लो जल्दी, हम तो नहीं मना करेंगे। मिलेगा वाला किसी औरंगाबाद में है, गुफा में छुपा हुआ है, बिल के अंदर गुफा में छुपा हुआ है। नहीं जो मैदान में निकल रहा है, कहने की बात है, ये लोगों की हिम्मत नहीं बात है। हम तो चलो औरंगाबाद बात कर लो जल्दी, भाई इनको मस्जिद से निकालो, कहते हैं भाई मस्जिद में तुम दाखिल ना हो ना किसी मस्जिद में, किसी मस्जिद के हमारे हमारे इलाके में नहीं आओगे, तुम कहीं भी जाओ।
मस्जिद मैंने तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मुसाफा नहीं किया। अरे तुम मत करो ना, काफी मुर्तद है। और ये खैराबाद मुस्तकिल आ रहा है, शीशे मस्जिद का पकड़ा गया था, फोटो आया था, शीशे मस्जिद का आया था। इसी तुम्हारा पहनने का नाम क्या है? असलम। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं। इनको लेके चलो, इनको इनके बहनों पर लेके चलो, चलो इनको लोग पकड़ो, इनको बहने से मिलो, चलो हम यहाँ किसी को कह रहे थे क्या? हम तो आए तो नमाज पढ़ रहे थे।